Hello, my shimming star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is of DLED second year mathematics education. और आज हम chapter 5 करेंगे creative thinking in mathematics. कि maths में आप creatively कैसे बच्चों को discover करा सकते हैं नए नए तरीके जिससे बच्चे interest gain कर सके और कुछ ना कुछ नया सीख सके. क्योंकि हम सबको पता है मैथ्स को बच्चे बहुत बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं, तो इस कंसेप्ट को दूर करने के लिए और मैथ्स के लिए बच्चों को एंथुजियास्टिक बनाने के लिए हम ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो बच्चों के लिए थोड़ा इंडल्जिंग हो. फर्स्ट है क्रिएटिविटी इन लाइफ. क्रिएटिविटी का मतलब होता है व्हेन वी आर क्रिएटिंग समथिंग, वी आर डूइंग समथिंग इन अ इंटरेस्टिंग मैनर विद यूजिंग आर न्यू आइडियाज, न्यू आर्ट और न्यू क्रिएशन करते हैं, तब हम उसे आप क्रिएटिविटी बोलते हो. जैसे वेरियस डिजाइन्स हम देखते हैं, क्लोथ्स, रंगोली, शेप्स, शेड्स और कुछ ऐसे एग्जांपल भी हैं. जैसे हम टाइल्स पे देख लेते हैं, डिजाइनर वॉल डिजाइन होता है, पेंटर जो डिजाइन करते हैं बिल्डिंग्स की, बिल्डिंग्स पूरा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन होता है. तो क्रिएटिविटी क्या है, हमारे थॉट्स को क्रिएट करती हैं एंड क्रिएटिविटी में हम अपने थॉट्स का यूसेज करके नई चीजों को बना सकते हैं. नेक्स्ट है क्रिएटिविटी इन टीचिंग एंड लर्निंग. अब देखो क्रिएटिविटी क्या कहती है, कि सबसे पहले आपकी जो रोट लर्निंग है ना, वो हमारी टीचिंग लर्निंग को सबसे ज्यादा बोरिंग बनाती है. और इट इज नेसेसरी टू इंडल्ज आवर स्टूडेंट टू मेक द वर्ल्ड एंड मेक द प्रोसेस वेरी क्लियर, वेरी ब्राइट एंड कलरफुल फॉर देम, बिकॉज वी ऑल टीचर्स वॉन्ट टू मेक आर टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव. सो हमें बच्चों के कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन को अच्छा बनाने के लिए हम क्रिएटिविटी करते हैं. मैथ्स में क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, क्रिएटिविटी को जनरली आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक इन सबसे जोड़ दिया जाता है, बट क्रिएटिविटी का मतलब होता है नई हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, एक्सपेरिमेंटेशन करना, अच्छे सॉल्यूशन ढूंढना और अल्टरनेटिव मेथड ढूंढना. देर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, बहुत सारे फॉर्म हैं, कुछ ड्राइव करके, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करके, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को गेम्स और पजल से सिखा के, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रक्शंस दे के, पैटर्न्स बना के, डेली लाइफ से रिलेट करके और अल्टरनेटिव मेथड खोज के जिसमें हम क्रिएट करना चाहते हैं. तो मैथ्स की बात करूं, सबसे पहले तो क्वेश्चंस को बनाओ जो ओपन एंडेड हो. क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो हैं बच्चे के माइंड को स्टक करके रख देते हैं, बट ओपन एंडेड क्वेश्चंस में बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपना ओन क्रिएट कर सकते हैं अपना नॉलेज. दूसरा है हैव स्टूडेंट क्रिएट देयर ओन प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम ढूंढे और अपने ही आप उससे समस्या ढूंढे. डाइवर्जेंट थिंकिंग देखें, डाइवर्जेंट का मतलब हम हर एक चीज के कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. ओवरकम फिक्सेशन, मतलब फिक्सेशन नहीं करनी, किसी चीज पे फिक्स नहीं होना, हो जाना है हमें कि हमें ये चीज आ गई, फलानी चीज आ गई तो हमें बस वो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है, उससे बाहर हमें सोचना ही नहीं है. और एनालॉजिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप एनालॉजी करो, उसको कैसे एनालाइज करना है, पार्ट्स में कॉम्प्लेक्सिटी को तोड़ के कैसे लर्न करना है. अब हम कुछ क्रिएटिविटी जानेंगे. फर्स्ट है क्रिएटिविटी ऑफ इंटीजर. इंटीजर्स का मतलब क्या है, अगर बच्चों को इंटीजर सिखाना है तो हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, लाइक इसने ना थोड़ा डिजाइनर शीट पे लिखा वही है, विच ऑफ योर इंटीजर आर स्मॉलर देन -2. एज वी ऑल नो दैट कि जितना बड़ा जितना माइनस का साइन उतना ही बड़ा नंबर उतना ही ज्यादा छोटा हो जाता है. तो हम बता देंगे -2 से स्मॉलर कौन कौन है, तो आर आंसर इज -5 एंड -4. नेक्स्ट है क्रिएटिविटी फॉर कंपोजिट एंड प्राइम नंबर. कंपोजिट प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच हैज ओनली 2 फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर, इटसेल्फ खुद से वो और 1. तो जैसे 5 है हमारा प्राइम फैक्टर है, तो वो अपने आप पे आई एंड मी, सिर्फ मैं, सॉरी प्राइम फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 एंड ओनली मी, तो ये दोनों होंगे. कंपोजिट नंबर में क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर होंगे, जैसे इन्होंने ले लिया 25, 25 के 1 भी है, 5 भी है और 25 भी है. 36 के देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. तो जो प्राइम, वो हमारे प्राइम नंबर कहलाएंगे जिसका फैक्टर सिर्फ 1 एंड मी है, मतलब आई एंड मी लगा लो तो बच्चा जल्दी याद करेगा. और जिसके आई एंड मी से अलग अलग हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, मोर देन, इनसे भी ज्यादा हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे. अब इसके बाद है क्रिएटिविटी इन मैथमेटिकल पैटर्न. अब मैथमेटिकल पैटर्न का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो आप संख्याएं बढ़ा रहे हो, बढ़ा भी किस में रहे हैं, एक सीक्वेंस में, कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऐसे जा रही हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 में और प्लस 1 करते जा रहे हैं. तो देखो ये भी एक अच्छी ट्राइंगुलर सी सीक्वेंस बन रही है, कोई कितनी सुंदर सा लग रहा है. इसके बाद ऐसे ही 9 का कर रहे हैं तो आंसर हमारा 1, 1, 1, 1, 1, 1 आ रहा है. ऐसे ही 9 into 9, 7, 88 आ रहा है. 98 into 9 plus 6,
कंजक्टिवली डाउन जा रहे हैं हम, तो हमारा ये पैटर्न आ रहा है। तो देखो बच्चों, ये बताने का क्या मतलब है, आप लोगों के अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी इन मैथ्स, तो आपको नंबर्स की क्रिएटिविटी बनानी है, कंपोजिट नंबर की बतानी है, इंटीजर्स की बतानी है, और जो मैं आगे बताने वाली हूँ आप इनके बारे में भी बता सकते हो। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रिडल, व्हेन माय फादर वाज 31 आई वाज 8, जब मेरे पापा 31 इयर्स के थे तो मैं कितने का था, 8 इयर्स का था। इसके बाद क्या कह रहे हैं, नाउ ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मी, अब वो मुझसे ज्यादा डबल एज के हो गए हैं, तो मैं कितने साल का हूँ। तो ट्वाइस करके देखो, अगर मैं 9 कर दूं तो 9 का 18 होगा, बिल्कुल गलत है। अगर 16 कर दूं तो 32, ये भी नहीं आ रहा। 8 साल इधर भी बढ़ेंगे, 8 साल इधर भी बढ़ेंगे तो 39 हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब और देखो, 15 ऐड करते हैं, 23 और 31 में भी 15 ऐड करते हैं, 46। तो पापा की एज हो गई 46 और मेरी एज कितनी हो गई, 23। तो ये मैथमेटिकल रिडल्स है। मैथमेटिकल गेम सुडू को आप लोगों ने सपने देखा होगा, तो इसको भी करना बहुत आसान है, मतलब थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट है, बट इससे ना मेंटल पावर इंक्रीज होती है। तो हमें इस कॉलम में, इस लाइन में भी 0, 1 to 9 नंबर्स भरने हैं, और ऐसे ऊपर से 1 to 9 ही भरने हैं, और ये जो आपको एक स्पेसिफिक बॉक्स दिख रहा है, स्क्वेयर बॉक्स, इसमें भी आपको 1 to 9 भरने हैं, और कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, ना ऐसे और ना नॉट दैट पर्टिकुलर बॉक्स। इसके बाद आते हैं 10 grams। 10 grams वो कुछ शेप होती हैं जो बनाई जाती हैं किससे, मैथमेटिकल कोई भी आकृतियां यूज करके, उन्हें आप 10 grams बोलते हो। देर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटी, जैसे कि पेपर फोल्डिंग हो गई, 10 ग्राम मैंने आपको बताया, रंगोली डिजाइन हो सकते हैं, अब तो बहुत सारी रंगोली बनती है, मान लो सर्कुलर बन रही है तो ऐसे कोई डिजाइन बना दिया, इसमें अलग कलर है, आगे बीच में भी और कोई डिजाइन बना दिया। मैजिक स्क्वेयर्स होते हैं, जैसे सुडोकू ऐसे मैजिक स्क्वेयर्स भी होते हैं जिनके अंदर नंबर्स को छिपा दिया जाता है और बच्चों से हिडन इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि टाइल्स पे भी बहुत सारे पैटर्न अब आ गए हैं। एंड जियोजेब्रा क्या होते हैं, हमारे पास एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप बच्चों को जो है सिखा सकते हो, लाइक ऐसे कुछ गिवन होगा, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, इन फॉर्म से रिलेटेड बच्चों को क्रिएट करना क्रिएटिविटी सिखाई जाएगी, तो वो हमारे जियोजेब्रा कहलाते हैं। तो अगर मैथ्स में बात करूँ तो मैथ्स की लेबोरेटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अकॉर्डिंग टू सीसीई का कहना है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में ये कहना है कि आप बच्चों को ऐसी चीजें पढ़ाओ जिससे बच्चा न्यू चीजें क्रिएट कर सके और कॉन्सेप्ट्स को इनोवेट कर सके। तो हम बोर्डम और क्लास की डिफिकल्टी से दूर हटने के लिए क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करते हैं, यही हमारी क्रिएटिविटी है। नेक्स्ट आता है, हाउ टू प्रमोट क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स, आप क्रिएटिविटी को कैसे प्रमोट कर सकते हो, बीइंग अ पार्ट ऑफ करिकुलम, अगर हम क्रिएटिविटी को एक करिकुलम का पार्ट बना दे तो भी हम क्रिएटिविटी को इनहेंस कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करके, स्टेप वाइज इन्फॉर्मेशन देके, वर्कशॉप बच्चों को देके, और ऐसे असेसमेंट करें कि जिसमें सिर्फ पेन पेपर टेस्ट ना हो और बच्चों को कुछ नया से नया क्रिएट करने का मौका दिया जाए। तो रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए गणित की अवधारणाओं से गतिविधियां करा के कर सकते हैं, अध्ययन सामग्री को एक चरणबद्ध कर सकते हैं, हम पाठ्य पुस्तकों की सामग्री से थोड़ा दूर ले जाके कुछ अच्छा कार्य उनसे करा सकते हैं, कार्यशाला स्थापित कर सकते हैं, लेबोरेटरी स्थापित कर सकते हैं, और मैथ्स के डर को कम करने की कोशिश करेंगे और सुविधाएं देंगे तो बच्चे रचनात्मक बनेंगे ही बनेंगे। हमने सीखा कि क्रिएटिविटी क्या होता है, मैथ्स में चीजों को ऐसे करवाना जिससे बोर्डम क्लास का खत्म हो जाए, आप उसे क्रिएटिविटी बोलोगे। और क्रिएटिविटी में इंटीजर्स की बताई मैंने आपको, कंपोजिट नंबर की, प्राइम नंबर की, 10 ग्राम की, मैथमेटिकल गेम्स, मैथमेटिकल रिडल्स, और मैथमेटिकल सम मैजिक पैटर्न्स भी हैं हमारे पास जिन्हें आप प्रयोग में ला सकते हो बच्चों को कुछ नई से नई चीजें सिखाने के लिए। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, और इस टॉपिक में आपने मैथ्स को कैसे क्रिएटिविटी, मैथ्स में कैसे क्रिएटिविटी बच्चों की जागरूक करनी है और मैथ्स को बोर्डम से दूर कैसे ले जाना है ये सीखा है। सो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इफ यू आर फाइंडिंग माय वीडियोस आर इन्फॉर्मेटिव, सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।